कक्षा फर्स्ट, कक्षा फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, और हम करने क्या जा रहे हैं, ए का प्रयोग। जैसे लाइन खींच करके लाइनों में लिखेंगे, ए मैन यानी एक आदमी, ए मैन यानी एक आदमी। अगला लिखेंगे ए वूमेन यानी एक औरत, ए वूमेन यानी एक औरत, ए मैन यानी एक आदमी, ए वुमेन यानी एक औरत, ए चेयर सी एच ए आई आर चेयर यानी एक कुर्सी, ए चेयर यानी एक कुर्सी, ए चेयर यानी एक कुर्सी, ए फैन यानी एक पंखा, ए फैन यानी एक पंखा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ए का प्रयोग करके सेंटेंस बना रहे हैं, ए का प्रयोग करके सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे ए मैन, ए का मतलब हो गया एक, मैन का मतलब क्या हो गया आदमी, ए मैन यानी एक आदमी, ए मैन यानी एक आदमी, ए वुमेन, ए का मतलब एक, वुमेन का मतलब क्या हो गया औरत, तो ए वुमेन यानी एक औरत, ए चेयर, ए का मतलब एक, चेयर का मतलब कुर्सी, चेयर का मतलब कुर्सी, तो ए चेयर यानी एक कुर्सी, ए फैन, ए का मतलब एक, फैन यानी पंखा, तो ए फैन यानी एक पंखा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे आपको सेंटेंस सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे बड़े बड़े सेंटेंस भी करेंगे, पहले छोटे छोटे सेंटेंसों को समझ करके करने का प्रयास कीजिए। गणित में हमारा चल रहा पहाड़ा, आज हमें करना है 8 का पहाड़ा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजो 40, 8 छक्के 40, 8 8 64, 8 9 72 और 8 10 में 80। ये तो हो गया 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 और 8 10 में 80। अब 9 का, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे
45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। तो ये पहाड़ा भी हो गया गणित में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।